विवाह क्यों करना चाहिए, विवाह करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या विवाह करना सचमुच बहुत आवश्यक है? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के इस एपिसोड में हम उस विषय पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे यंगस्टर्स के मन में बहुत बार उठती है। वो अक्सर हमसे पूछते हैं, आचार्य जी वी आर कन्फ्यूज्ड, हम द्वंद्व की स्थिति में हैं, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब एक सर्टेन एज में आते हैं तो माता पिता कहते हैं विवाह करो, क्या सचमुच विवाह इतना महत्वपूर्ण है? और फिर द्वंद्व इस बात का कि एक ओर तो कहा जाता है कि फॉलो द पाथ ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरी ओर कहा जाता है, कुछ लोग हमें प्रेरणा देते हैं, कुछ हमारे गुरुजन भी हमें प्रेरणा देते हैं कि संन्यास के मार्ग पर चलो, त्याग के मार्ग पर चलो, पर क्या ये दो चीज़ें आपस में द्वंद्व नहीं हैं? क्या त्याग का मार्ग और सेवा का मार्ग और गृहस्थ का मार्ग दो भिन्न मार्ग नहीं हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारी महान भारतीय संस्कृति में चार आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। हर आश्रम की आयु निर्धारित की गई और हर आश्रम के कर्म निर्धारित किए गए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही आश्रम का पालन करते रहें और बाकी आश्रमों का त्याग करते हैं। क्या कारण है कि हमारी इस महान संस्कृति में इन चार आश्रमों का यही क्रम बताया गया, इन चार आश्रमों की यही आयु बताई गई? क्यों पहले गृहस्थ और बाद में ब्रह्मचर्य नहीं रखा गया? क्यों पहले संन्यास और बाद में गृहस्थ नहीं रखा गया? नहीं, पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं, फिर हम गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, फिर हम वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हैं और अंत में हम संन्यास आश्रम का पालन करते हैं। अगर हम इन चारों आश्रमों पर आज चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सीधा सीधा हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करके हम गृहस्थ आश्रम में क्यों आए और संन्यास तक जाने के लिए गृहस्थ आश्रम से होकर के गुजरना क्यों आवश्यक है? विवाह गृहस्थ आश्रम की बुनियाद, गृहस्थ आश्रम की नींव। क्यों करना चाहिए विवाह? विवाह के पांच उद्देश्य बताए गए शास्त्रों में और ये पांच उद्देश्यों को समझना बहुत आवश्यक है। और इन पांच उद्देश्यों को समझे बिना आप विवाह भी मत कीजिएगा। अगर विवाह कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तब भी इन पांच उद्देश्यों को जरूर समझें, शायद जीवन में कोई परिवर्तन आए। पहला उद्देश्य, संतान उत्पत्ति और सृष्टि का एक्सपेंशन। जब हम संतान उत्पत्ति की बात करते हैं तो संतान उत्पत्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम सिर्फ पॉपुलेशन को बढ़ाएं। संतान उत्पत्ति या सृष्टि के एक्सपेंशन का अर्थ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करें। संतान उत्पत्ति का अर्थ कि हम ऐसी संतति को जन्म दें, ऐसी संतान को जन्म दें, ऐसी सुसंस्कृत संतान को जन्म दें कि वो एक स्वस्थ सुदृढ़ समाज का निर्माण करे, जो राष्ट्र के लिए कुछ करे, जो धर्म के लिए कुछ करे, जो समाज के लिए कुछ करे, जो विश्व के लिए कुछ करे, जो सेवा के भाव से विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना योगदान दे। ऐसी संतान की उत्पत्ति करना गृहस्थ आश्रम का पहला उद्देश्य है, विवाह का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि को प्राप्त करते हैं और इन 84 लाख योनियों में हमारे भीतर बहुत सारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं योनियों को तो जीते जीते आ रहे हैं। क्रोध, ईर्ष्या, ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। और साथ में एक बहुत बड़ा एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, फ्री डिजायर ऑफ सेक्स, सहवास की स्वच्छंदता। ये फ्री डिजायर ऑफ सेक्स को एक स्त्री और एक पुरुष तक बांधने के लिए विवाह का प्रावधान किया गया। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी वो कई बार पूछते हैं जिस पर अलग से हमारे डिस्कोर्सेज उपलब्ध हैं, वो कहेंगे कि फ्री डिजायर ऑफ सेक्स को एक स्त्री और एक पुरुष तक ही क्यों बांधा जाए, उसका क्या कारण है? जब हम वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट एनिमल्स, जब हम इस फ्री डिजायर ऑफ सेक्स में ही उलझे रहेंगे तो हम जीवन के हायर ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पा पाएंगे, जीवन के हायर उद्देश्यों को कैसे पा पाएंगे?
और ये जो फ्री डिज़ायर ऑफ सेक्स है, ये इतिहास इसका गवाह है कि दिस इज़ अ रीज़न बिहाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, वेदर वी टॉक अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वेदर वी टॉक अबाउट डिसबैलेंस इन सोसाइटी एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो उस फ्री डिज़ायर ऑफ सेक्स को एक स्त्री और एक पुरुष तक बांधने के लिए विवाह का प्रावधान है। हम गृहस्थ आश्रम में जाएं और फिर गृहस्थ आश्रम से निकल करके संन्यास की ओर बढ़ें, इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस फ्री डिज़ायर ऑफ सेक्स को एक स्त्री और एक पुरुष तक बांधें। तीसरा उद्देश्य ये कि मनुष्य सबसे ज़्यादा लालची व्यक्ति होता है, लालची बीइंग है, मनुष्य से ज़्यादा लालची और कोई नहीं है, और मनुष्य से ज़्यादा स्वयं से प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। मनुष्य जितना भी कहता रहे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ या मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम स्वयं से करता है। आप कितने जीवन में कस्में वादे खा लीजिए कि अरे मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, मुझे उससे बहुत प्रेम है, पर सच तो ये है कि हम अपनी देह से, अपने शरीर से, अपने आप से इतना प्रेम करते हैं कि उससे ज़्यादा प्रेम किसी और से कर ही नहीं पाते। लेकिन जब हमारे हाथ में हमारी संतान आती है, तब हम अनुभव करते हैं कि कोई है जिसे हम स्वयं से भी प्रेम, ज़्यादा प्रेम करते हैं, और वो संतान आपके ही शरीर से उपजी है, आपके ही रक्त और मज्जा से बनी है, इसलिए आप उसे अपने से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। और फिर ये जो मैं है, ये वसुधैव कुटुंबकम का आकार ले लेता है। जब आपके हाथ में आपकी संतान आती है तो आपके जीवन को एक उद्देश्य मिलता है, आप कार्यरत होते हैं उसके लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि आप उससे इतना प्रेम करते हैं कि आपके उसके लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं। फिर आप मैं से अपने जीवन साथी तक एक्सपेंशन होता है आपका, फिर अपनी संतान तक एक्सपेंशन होता है, फिर परिवार तक एक्सपेंशन होता है, और वो बढ़ते बढ़ते वो एक्सपेंशन वसुधैव कुटुंबकम का आकार ले लेता है। होल वर्ल्ड इज अ बिग फैमिली। चौथा कारण ये कि जब मनुष्य की संतान उत्पत्ति होती है तो गृहस्थ आश्रम में जा करके जब वो विवाह करता है, तब गृहस्थ आश्रम में जा करके उसके भीतर कुछ अनोखे गुण जागृत होते हैं, जैसे प्रेम, कंपैशन, त्याग, सैक्रिफाइस, सेवा, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव, सिर्फ अपने लिए न जीना, सेवा के भाव में जीना। और ये सारे गुण जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाते हैं, क्योंकि इन गुणों का जागृत होना तो आवश्यक है ना, इन गुणों को जब तक आप जागृत ही नहीं होने देंगे उसे परमात्मा की प्राप्ति में कैसे लगाएंगे। तो जब इन गुणों को हम जागृत करते हैं, जो जागृत होते हैं, फिर इन्हें हम परमात्मा की प्राप्ति में लगाते हैं, तो परमात्मा भी हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और पाँचवा, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम मनुष्य जीवन में प्रवेश करते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो हम पर तीन ऋण होते हैं। पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान की उत्पत्ति का प्रावधान रखा गया है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम संतान की उत्पत्ति करते हैं, जैसे देव ऋण से मुक्त होने के लिए अलग कार्य करते हैं, ऋषि ऋण गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए अलग कार्य किए जाते हैं, तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें संतान की उत्पत्ति, और कैसी संतान, जैसी आरंभ में बताया, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है, ऐसी संतान अगर हम एक क्रिमिनल समाज को दे रहे हैं, अगर हम एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति समाज को दे रहे हैं जन्म कर दे करके, तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं हैं एज अ पेरेंट। हम एक ऐसी संतान समाज को दें जो समाज के लिए कुछ करे, राष्ट्र के लिए कुछ करे, धर्म के लिए कुछ करे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आपका जो सर्कल है वो कैसे चलता है, कि आपकी संतान हुई, आपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम अनुभव किया, आप अपनी संतान को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, संतान आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, संतान थोड़ी सी बड़ी हुई, उसका विस्तार हुआ, अब उसके जीवन में उसके टीचर्स जुड़े, उसके फ्रेंड्स जुड़े, आपकी भावना वैसी की वैसी है संतान के लिए, फिर वो और बड़ा हुआ, मित्रगण जुड़े, फिर संतान और बड़ी हुई, बिलवेड प्रेमी प्रेमिका जुड़े, और बड़ी हुई संतान, पति या पत्नी जुड़ा, उसका विस्तार होता जा रहा है, उसका प्रेम भी बढ़ता चला जा रहा है,
और फिर उसके बाद जब विवाह हो गया संतान का, तो संतान की संतान हो गई और वो सारे भाव जो आप अपनी संतान के लिए रखते थे, वो आज आपकी संतान अपनी संतान के लिए रख रही है। और तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये पूरा साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। अब समय है कि मैं वानप्रस्थ की ओर बढ़ूँ और संन्यास की ओर बढ़ूँ और सारे गुण जो मैंने अर्जित किए हैं गृहस्थ आश्रम से, इन गुणों को मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाऊं और मुक्ति के मार्ग पर चलूं, मुक्त हो जाऊं। ये कारण है कि हमें गृहस्थ आश्रम से होकर के आगे निकल करके वानप्रस्थ और संन्यास की ओर बढ़ना है। गृहस्थ आश्रम लिप्सा का आश्रम नहीं है, गृहस्थ आश्रम वासना का आश्रम नहीं है, गृहस्थ आश्रम त्याग का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम सेवा का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम समर्पण का आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम वो मार्ग है जो हमें वानप्रस्थ और संन्यास की ओर लेकर के जाता है। हम जब इन आश्रमों से होकर के गुजरते हैं, हम तृप्ति के मार्ग पर चलते हैं, हर प्रकार से तृप्त होते जाते हैं। और फिर कोई चीज़ हमने खींच ली किसी से, और कोई चीज़ हम समय के साथ अनुभव के साथ त्यागते हुए आगे जा रहे हैं। दोनों में बहुत बहुत अंतर है। इसलिए विवाह के ये पांच उद्देश्य, कि विवाह के ये पांच ऑब्जेक्टिव्स हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए जब हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता है।